हेलो एवरीवन, मैं हूं निर्मल कुमार गौरव। और अभी हम लोग सर्कुलर रेस के जो बहुत बेहतरीन और कंफ्यूजिंग सवाल आए थे सीजीएल 2023 के टायर वन में, हम उसको कवर कर रहे थे। हमने इसका पार्ट वन पढ़ लिया था जो था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट के ऊपर, और अभी हम इसके पार्ट टू को पढ़ने वाले हैं। पार्ट टू में भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जो कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज है, हम पहले उसे समझते हैं जो एग्ज़ाम में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़ किया इस बार। और वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं और इसके बीच का अंतर हमें समझना होगा। ये होता क्या है? मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? ये सिंपल है कि आप सपोज करो कि कोई पॉइंट से ए और बी रन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर ए एक सर्कल लगाने में 30 सेकंड लगा रहा है और बी एक सर्कल लगाने में 40 सेकंड लगा रहा है, तो ये वापस से इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे? वो हमारा क्या होगा? मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। अगर ए 30 सेकंड लगा रहा है, मतलब हर 30 सेकंड के बाद ए वापस से यहाँ पर पहुंच जाएगा, हर 30 सेकंड में ये सर्कल लगाते रहेगा। और अगर बी 40 सेकंड दे रहा है, तो ये हर 40 सेकंड में ये क्या होगा? एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा बी। तो इस केस में क्या होगा? हम क्या लेते हैं, कितने टाइम बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे? तो हम एलसीएम लेते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इंडिविजुअल, चाहे कितने भी लोग हैं, एक लोग हो, दो लोग हो, तीन लोग हो। हम क्या करते हैं, ये जो समय ले रहे होते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, उसका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, क्योंकि 30 सेकंड बाद ये खत्म कर रहा है एक राउंड, 40 में ये कर रहा है, तो अगर इसका एलसीएम हम 120 लेंगे, तो ये भी चौथी बार पहुंच रहा होगा और ए चौथी बार पहुंच रहा होगा और बी तीसरी बार पहुंच रहा होगा, यानी ये दोनों क्या करेंगे, इस पॉइंट पर मीट कर जाएंगे। ये तो सिंपल सवाल है जो हम लोग बनाते आए हैं अभी तक। इसमें हमें कोई भी अंतर नहीं होता है कि पर्सन जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। क्या मतलब है इसका? जैसे देखिए, अभी हमने क्या एग्जाम्पल लिया कि ए और बी सेम तरफ भी जा रहे हैं ना, तो भी 30 और 40 में क्या होगा, वो एक पॉइंट पर पहुंचने में उतना ही समय लगाएंगे। और अगर ए और बी अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि ए की डायरेक्शन इस तरफ है और बी की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, ठीक है, तो भी क्या होगा, हमारा 120 सेकंड पे ही वो इस पॉइंट पर आकर मिलेंगे। यानी कि हमें दोनों ही केस में क्या लेना है, एलसीएम लेना है उस नंबर का, जो भी नंबर हो हमारे पास। अभी हम समझते हैं कि मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम क्या होता है। आप देखो, हमारे पास अभी भी है क्या, दो पर्सन ए और बी। हम मानते हैं कि बी ने जाना स्टार्ट किया सर्कुलर ट्रैक पे और ये कुछ वाई डिस्टेंस तक गया। अब ए इसे वापस इस पॉइंट पर आके मिल ले रहा है, तो ए कब मिल पाएगा इससे? ए तभी मिल पाएगा जब ए इस वाई डिस्टेंस को तो कवर करेगा ही, लेकिन एक कंप्लीट सर्कुलर राउंड लगा के फिर से इस पॉइंट तक आ जाए। मतलब बी अगर कर रहा है वाई ट्रेवल, तो ए को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? ए को करना पड़ेगा वाई प्लस एक्स। क्यों? हमने यहाँ पे सरकमफेरेंस यानी कि इसकी परिधि लेकर कितना रखा था, एक्स मान के रखा था। यानी ए कितना ट्रेवल कर रहा है, वाई प्लस एक्स ट्रेवल कर रहा है, तो इन दोनों की रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो गई? रिलेटिव डिस्टेंस मतलब ए ने कितना ज्यादा ट्रेवल किया, इनके डिस्टेंस का डिफरेंस कितना हो गया, एक्स हो गया। तो अब हमारे पास दो केस बनते हैं। आप सोचो कि अगर ए और बी है, ए और बी अगर दोनों सेम ही तरफ जा रहे हैं, दोनों सेम ही तरफ जा रहे हैं और रिलेटिव डिस्टेंस हमारे पास है कितना, एक्स, तो कितना टाइम लगेगा एक्स को फिर से एक बार पहली बार मिलने में? पहली बार मिलने में कितना लगेगा? हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। रिलेटिव डिस्टेंस हो गया हमारा एक्स और रिलेटिव स्पीड हो गया हमारा ए माइनस बी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, वो डिफरेंस होता है हमारा स्पीड का। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता, तो डिस्टेंस तो हमें उतना ही ट्रेवल करना है, क्योंकि जब ए एक राउंड ज्यादा मारेगा यानी कि सरकमफेरेंस को ज्यादा एक बार कवर करेगा, तभी वो वापस से मिल पाएंगे। और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो इनमें क्या हो जाएगा, स्पीड का हमारे पास क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा इस केस में। तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हमें फर्स्ट बार मिलने का बात कहा गया हो कि फर्स्ट बार कब मिलेगा, तो हमें क्या करना है, हमें सर्कुलर सर्कल का जो भी सरकमफेरेंस होगा वो ट्रेवल कराना है। किससे? रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, या तो ए प्लस बी होगा या तो क्या होगा, ए माइनस बी होगा, उनके स्पीड का सम या फिर डिफरेंस। किस पे डिपेंड करेगा? अगर सेम डायरेक्शन होगा तो डिफरेंस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे, सम करेंगे।
अगर हमारे पास केवल बोला हो कि वो उसी पॉइंट पर आकर कब मिलेगा जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, उस केस में केवल क्या लेना है, उस केस में हमें केवल एलसीएम ले लेना है, जो भी टाइम होगा। एलसीएम हमेशा टाइम का लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इंडिविजुअली। अब आते हैं हम सवाल पर। हमारे पास सवाल है कि सोनी और मोनी दो रनर से जो कि 18 और 24 किलोमीटर पर आवर से जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो कितने समय के बाद वे मीट करेंगी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में है स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें टाइम निकालना है, हमें टाइम का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किस चीज का, टाइम का, दोनों का। आप बताइए, हमें यह ध्यान में होना चाहिए कि 18 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर होता है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जब पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड से जाएगा तो 200 मीटर को करने में इसको कितना समय लग रहा होगा, 200/5 यानी कि 40 सेकेंड का समय लग रहा होगा। सेकेंड केस क्या है हमारे पास, 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 24 × 5/18, 3 × 4, यानी ये कितना हो गया हमारे पास, 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए अगर हमें 200 का ट्रैक इससे कवर करना हो तो हम कितना करेंगे, 200/20 और 3 जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसका मतलब हमारे पास कितना लग गया, 30 सेकेंड लग गया। अब सोनी को कितना लग रहा है, सोनी को लग रहा है 40 सेकेंड, मोनी को कितना लग रहा है, मोनी को लग रहा है 30 सेकेंड। हमें क्या करना था, इनका एलसीएम लेना था, 30 और 40 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 सेकेंड आ जाएगा, और यही हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि हमारे पास जो सर्कुलर ट्रैक है वो कितने का है, 1600 मीटर का है, 1600 मीटर। सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, एक का स्पीड है 27 और दूसरे का स्पीड है कितना, 45। कितने देर के बाद वो फर्स्ट टाइम मीट करेंगे, देखिए अब जब फर्स्ट टाइम मीट हो गया ना तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें रिलेटिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि एक जो फास्टर पर्सन होगा वो ट्रैक की लेंथ को कवर करेगा। इसका मतलब अभी हम देखते हैं कि रिलेटिव स्पीड कितना आ रहा है। रिलेटिव स्पीड अगर देखें, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन दिया हुआ है, तो 45 और 27 का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। इससे हमें कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, 1600 को ट्रेवल करना है, इसका मतलब 2 और कितना हो गया, 107 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 320 सेकेंड। तो जब फर्स्ट टाइम करना था हमें, तो हम किसके कौन से कॉन्सेप्ट पे गए, रिलेटिव के कॉन्सेप्ट पर गए, हमें रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड लगाना पड़ा यहाँ पर। अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, यह है हमारा कि ए बी और सी एक साथ दौड़ते हैं एक ही पॉइंट से, 1200 मीटर का ट्रैक है हमारा, एक का स्पीड है 2, एक का है 4 और एक का है 6। ए बी रन इन द सेम डायरेक्शन व्हाइल सी रन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ए और बी सेम में रन कर रहे हैं, कितने से, 2 से 4 से। सी क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से, 6 से। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें ध्यान में क्या रखना है कि फर्स्ट टाइम में वो लोग कब मीट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगेगा। जब तीनों की बात करें ना, अभी हमने 2 के लिए तो हमने पढ़ लिया कि रिलेटिव स्पीड से हम निकालेंगे, लेकिन जब 3 की बात कर दे फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम पहले दो दो का पेयर बना लेंगे। जैसे कि ए बी का हम पेयर बना लेते हैं पहले, कि ए और बी कब आपस में मिलेंगे पहली बार, फिर हम एक पेयर बना लेंगे ए और सी का, या फिर बी और सी का भी पेयर बना सकते हैं कि ए और सी आपस में कब मिलेंगे। अब ये दोनों जब मिल रहे होंगे ना, फिर उनका हम उन पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं, फिर कि ये तीनों आपस में उसी समय मिल रहे होंगे जब इनका एलसीएम आएगा हमारा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ए और बी के ऊपर। अभी ए और बी क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, इनका डिफरेंस यानी 2। ट्रैक की लेंथ कितनी है हमारी, 1600 नहीं सॉरी ट्रैक की लेंथ है हमारी 1200। 1200 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड। यानी ए और बी कितने देर बाद मिलेंगे, 600 सेकेंड के बाद मिल रहे होंगे। अब हम ले लेते हैं ए और सी को, ए और सी को ले लेते हैं, इनका जो ट्रैक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है, अभी भी ये है 1200, लेकिन ए का जो डायरेक्शन है और सी का जो डायरेक्शन वो क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस जब हम लेंगे वो क्या करना पड़ेगा, 2 + 6 करना पड़ेगा, यानी 1200/8, ये कितना हो गया, 150। अब ए और बी मिलेंगे पहली बार 600 सेकेंड पे,
और ये मिलेगा 150 सेकंड पे। अब हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी तो तीनों एक साथ मिल पाएंगे ना। हमने क्या किया, बी और सी को किसके हेल्प से जोड़ा, ए के हेल्प से जोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 600 का और 150 का, और इसका एलसीएम कितना आता है, 600 ही आएगा, 600 सेकंड, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 मिनट। अगला सवाल है हमारा, रेसर ए और बी जो है 18 किलोमीटर का एक रेस कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, जो कि 800 मीटर का है, यानी 800 मीटर कंप्लीट कर करके वो बार बार क्या करेंगे, घूमेंगे 18 किलोमीटर तक। बोथ कंप्लीट वन राउंड इन 200 सेकेंड एंड 250 सेकेंड, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। ठीक है, एक है हमारे पास 200 सेकेंड, अगर एक है 200 सेकेंड और एक है कितना हमारे पास, 250 सेकेंड, तो इसका मतलब ये हर कितने सेकेंड के बाद मिल रहे होंगे, ये मिल रहे होंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 1000 सेकेंड, यानी ये लोग हर 1000 सेकेंड पर मीट कर रहे होंगे। ठीक है, अब पूछ रहे कि लास्ट बार कब मिलेंगे, तो लास्ट बार मिलने के लिए ना हम देख लेते हैं कि जो फास्टर पर्सन होगा, फास्टर पर्सन जल्दी रेस खत्म करेगा, वो कितने टाइम में रेस खत्म करता है, हम ये देख लेते हैं। 18 किलोमीटर उसे ट्रेवल करना है, ठीक है, यानी कि 18,000 मीटर हो जाएगा ये। अब वो 800 मीटर खत्म कितने में कर रहा है, 200 सेकंड में कर रहा है, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड की है। 18,000 को कंप्लीट करने में ये कितना लगाएगा, इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 45, यानी कि कितना टाइम ये लगा रहा होगा, ये लगा रहा होगा 4500 सेकेंड। ठीक है, 4500 सेकेंड ये लगा रहा होगा जो फास्टर होगा, यानी कि इतने देर तक तो कम से कम रेस चलेगा ही, लोअर पर्सन 45 से कुछ ज्यादा समय ले रहा होगा। और हमने जो पहला रिजल्ट निकाला वो क्या है कि वो 1000 सेकेंड के बाद मिलेंगे, हर 1000 सेकेंड पर मिलेंगे। तो आप देखो, 1000 सेकेंड पर मिले, फिर कब मिलेंगे, 2000 सेकेंड पर मिलेंगे, फिर कब मिलेंगे, 3000 सेकेंड पर मिलेंगे, फिर कब मिलेंगे, 4000 पर मिलेंगे। 4000 के बाद क्या ये मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि 4500 सेकेंड के बाद जो फास्टर पर्सन है उसका काम तो हो गया, इसलिए जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा कितना हो जाएगा, 4000 सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको इस तरीके के और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।